फरवरी के 15 तारीख 2022। फ्रेंड्स, आप लोग हमारी नर्सरी की वीडियो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम आपके लिए नर्सरी की वीडियो लाते हैं। तो फिर हम नर्सरी पे आ गए हैं, शुरू करते हैं विंटर प्लांट क्या क्या नर्सरी पे हैं। तो देख सकते हैं, ये है प्लांट विंटर का केल, जिसे कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल केल कहते हैं इसको। और इस प्लांट को अगर कहा जाए तो जो पत्ता गोभी होती है उसी तरह का ये लगता है प्लांट। तो आप देख सकते हैं, इसको नर्सरी में केल के नाम से जानते हैं। ये प्लांट आपको अभी नर्सरी पे 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के तरफ, जो है कि डहेलिया। डहेलिया देख सकते हैं कई कलरों में आता है। ये प्लांट आपको नर्सरी पे 40 रुपये प्लांट मिल जाएगा। देख सकते हैं, ये प्लांट भी आपको अप्रैल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो ये प्लांट अभी नर्सरी से बाय कर सकते हैं। ये सब विंटर प्लांट में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा रेनरकुलस। तो ये प्लांट फ्रेंड्स आपको नर्सरी पे मिल जाएगा। इस प्लांट की पहचान है कि गुलाब के तरह इसका फ्लावर आता है। एक स्टिक पे इसका गुलाब की तरह फ्लावर आता है। और इस अगर फ्लावर को आप पानी में अगर कटिंग करके रख देते हैं तो भी ये कई दिनों तक फ्लावर खिला रहता है। तो ये प्लांट आपको नर्सरी पे 50 रुपीज़ प्लांट मिल जाएगा। अगर ये प्लांट आपको 6 इंच के गमले मिलता तो हो सकता है इसकी प्राइस ज़्यादा हो। बाकी अगर पॉली बैग में लेते हैं तो ये प्लांट आपको 50 रुपये मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये प्लांट कई कलरों में आते हैं, जिसका नाम आप फिर नोट कर लीजिए, रेनरकुलस। तो ये प्लांट आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो फिर हम वापस उसी प्लांट पर आ गए हैं जिसका नाम है केल। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये केल का कलर देखिए उससे अलग है। तो ये पत्ता गोभी से बिल्कुल एकदम सेम लग रहा है जैसे पत्ता गोभी। इसका कोई ज़्यादा काम नहीं, जैसे सैलिड होता है उसको डेकोरेट करने का ही काम करता है, या फिर आप इसको लगा सकते हैं अपने घर में। तो 50 रुपये प्लांट है, आप बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा कैलेंडुला। तो आप देख सकते हैं, कैलेंडुला आपको बहुत ही आराम से नर्सरी पे मिल जाएगा। जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है तो ये प्लांट नर्सरियों पे आने लगते हैं। इसकी प्राइस 20 रुपये आपको मिल जाएगी, किसी भी नर्सरी पे आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको अगर आप 7 से 8 इंच के गमले में लगाते बहुत फैल जाता है। अभी देख सकते हैं 6 इंच के गमले में है, तो इसकी ग्रोथ उसी हिसाब से। बड़ा स्पेस का गमला अगर इसे मिलता है तो अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है, और प्लांट भी बहुत घना हो जाता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। अप्रैल तक ये प्लांट ऐसे ही रहता है, उसके बाद आप इसे शेड में रख सकते हैं ताकि ये प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए बच जाए। ज़्यादातर ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट के तरफ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है हमारा अलाइसम। अलाइसम स्वीट कहते हैं, ये पहाड़ी प्लांट होता है। ये पहाड़ी एरिया जहाँ ठंडा एरिया होता है वहाँ पूरे मैदान इसके होते हैं, और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मीठी खुशबू आती है। तो इस पर बटरफ्लाई वगैरह भी बहुत अट्रैक्ट होती हैं इसके तरफ। तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ प्लांट आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और काफ़ी भींगी भींगी खुशबू आ रही है इसमें से। 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के तरफ। तो फ्रेंड्स, ये इस प्लांट का नाम है स्टोक फ्लावर। तो एक स्टिक सी निकलती है और उस पर कई फ्लावर लगते हैं, और धीरे धीरे करके वो फ्लावर खिलने शुरू होते हैं। जो पुराने फ्लावर होते हैं वो गिरते जाते हैं। तो ये 6 इंच के गमले में लगा है, जो कि 50 रुपीज़ प्लांट है। तो देख सकते हैं, ये रेड कलर है, और अभी ये कलर और दिखाता हूँ, पिंक कलर है। और देख सकते हैं पिंक कलर है ये, और ये भी 6 इंच के गमले में लगा है। और ये देख सकते हैं, इन सब प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है। आप कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो उससे कई अच्छे कलर आते हैं और प्लांट पे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इधर बोनसाई है, तो इधर देखिए ये पेंजी है। तो पेंजी कुछ देखने में प्लांट ऐसा लगता है जैसे तितलियाँ बैठी हुई हों कई कलर की। तो ये प्लांट आपको कई कलर में मिल जाएगा, जैसे कि कई शेड होते हैं। देख सकते हैं वाइट है, वाइट पे ये देखते हैं शेड आ रखा है, फिर येलो है, रेड का शेड है इस पर। तो आप देख सकते हैं कई कलर के मिल जाएंगे, जैसे तितलियां बैठी हुई हों। तो ये प्लांट नर्सरी पे बहुत ही सस्ता मिल जाता है, जो कि 20 रुपये प्राइज होती है।
तो ये सब प्लांट जो है कि अप्रैल तक चलेंगे, तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी पे आपको 20 रुपये मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्लांट के तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है जो कि है गजेनिया। तो गजेनिया भी आपको किसी भी नर्सरी पे 20 रुपये प्लांट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी प्लांट आपको कई कलर में और कई शेड में मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें, तो इस प्लांट की एक खासियत है कि जैसे ही सुबह होती है तो ये प्लांट अपना जो इसका फ्लावर होता है वो खिलना शुरू हो जाता है, और 2-3 बजे ये फुल सन में पूरी तरह खिल जाता है। और जैसे ही शाम ढलने वाली होती है तो इसकी पंखुड़ियाँ बंद होने लगती हैं और फ्लावर एकदम बंद हो जाता है। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही खिलता है। ऐसे कई दिन ऐसे ही प्लांट चलता है। फिर धीरे धीरे इसका फ्लावर ख़राब हो जाता है, फिर नए कली से फिर नया फ्लावर बनता है। तो 20 रुपये प्लांट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सीजनल प्लांट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट पे शावरिंग करते रहिए। तो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए शावरिंग की जा रही है प्लांटों पे। तो प्लांट नर्सरी पे आप देखते होंगे कि इतने अच्छे क्यों फ्लावरिंग कर रहे हैं, इतने अच्छे प्लांट हैं। तो उसका यही है, आप सुबह शाम प्लांट को अगर नहलाते हैं तो उससे प्लांट खुश रहता है। तो आप भी जब प्लांट अपने घर पे लगाएं तो उनको शावरिंग किया करें। देख सकते हैं नर्सरी पे कैसे शावरिंग इन पे की जा रही है। तो इससे प्लांट पे कोई बीमारी भी नहीं लगती है जल्दी, और प्लांट भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो यही राज होता है कि नर्सरी पे प्लांट इतने अच्छे क्यों दिखते हैं। तो ये देखिए कैलेंडुला का हम दिखा रहे हैं दूसरा प्लांट। तो ये प्लांट आपको 10 रुपये प्लांट मिल जाएगा। अभी हमने 20 रुपये दिखाया था, वो पॉली बैग में या गमलों में थे। और अगर आप ऐसे ही मिट्टी से, ये देखते हैं मिट्टी में लगे हुए हैं, तो ये ज़मीन में लगा रखे हैं, तो ये 10 रुपये प्लांट है। तो आप इसको मतलब रूट बॉल जो होता है इसका जड़ निकलवा के आप ले जाके अपने घर में लगाएं तो ये प्लांट लग जाएगा। पर आपको बता दूं, इनके अब सीज़न ऑफ होने वाला है, तो आपको ये 10 रुपये प्लांट मिल जाएगा। तो आप इनको ले जा सकते हैं, अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद फिर इनको बचाना मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा देंथस। तो ये देख सकते हैं, ये कई कलर में भी मिल जाता है और कई शेड इसमें आते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, देख सकते हैं वाइट है, रेड है, कई कलर में आपको मिल जाएंगे। तो आप ये प्लांट 20 रुपये प्लांट ले जा सकते हैं इसको भी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होती है। और इस प्लांट को आप नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं, ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप ले जा सकते हैं अपने मनपसंद। इस समय अभी सीजन गया नहीं है, आप अपने अभी भी प्लांट लगा सकते हैं अपने मनपसंद। तो आज की वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।